अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बॉयज़ आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, अच्छा जी क्लास, ये देखेंगे आज का काम, ज़िंदगी और शम्मा की सूरत। बेटा जी, इस प्रोवर्ब का मतलब ये होता है कि आप इतने रोशन हों कि शम्मा की तरह आपकी रोशनी पूरी दुनिया में रोशन हो जाए और आपकी ही वजह से दुनिया को रोशनी हासिल हो। ठीक है, आप दुनिया में वजह रोशनी बने। आगे देखेंगे, मंगल है जी, 16 जून 2020, जमात का काम है नंबर 5 है, घर का काम मुहावरात अगले 5, सबक है जी हमारा खेल। बेटा आज हमने पैराग्राफ करना है सीरीज का, तो यहाँ पर हमने, जब आपके पास ये होगा राउंड में, आपके पास पेपर में आएगा तो वही शेप में आएगा, पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ होगा, ये इंसान डॉट 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 पैदा होती है, ये पहली लाइन पैराग्राफ का पहला वर्ड है और ये लास्ट वर्ड है। तो ये मैं आपको इस वक्त समझाने के लिए आपको बुक में से समझा देती हूँ। ये आप देखेंगे, ये पैराग्राफ है बुक का, ये वाला पैराग्राफ मैंने बुक से लिया है बेटा, ये आप यहाँ से देखेंगे। अच्छा जी, ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का दर्श भी देती है। बेटा जी, बसर बेटा जी, बसर का यहाँ पर हमने मीनिंग लिखना है, तो वो बसर को अंडरलाइन किया हुआ होगा, जब आपके पास पैराग्राफ आएगा ऐसे। उसके बाद दर्स है, दर्स को अंडरलाइन किया हुआ होगा। तवसुत है, तवसुत को अंडरलाइन किया हुआ होगा। पोशीदा को अंडरलाइन किया हुआ होगा। और बेटा जी, आपका मुस्तकबिल वर्ड है, इसको अंडरलाइन किया हुआ होगा। पेपर की शेप में आपके पास इस तरह आएगा और क्लास तक में हम पैराग्राफ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, आपको बात समझाने के का मकसद ये है कि जो लफ्ज़ आपके अंडरलाइन किए हुए होंगे उन्हीं के आपने पहले मीनिंग लिखने होंगे, फिर आपने आगे से पैराग्राफ शुरू करना है। अब यहाँ देखें, इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का दर्स भी देती है। हम दर्स का मीनिंग लिखेंगे, बसर का मीनिंग लिखेंगे, खेलों के तवसुत तवसुत का मीनिंग लिखेंगे, पोशीदा सलाहियतों पोशीदा का मीनिंग लिखेंगे, को उजागर करने का मौका मिलता है, मुस्तकबिल मुस्तकबिल का मीनिंग लिखेंगे, आने वाला वक्त, मनसूबाबंदी की आदत भी पैदा होती है। ये तो था हमारा पैराग्राफ। अब हमने यहाँ पर देखना है, जो हमने क्लास वर्क में काम करना है, क्लास वर्क के काम का हम देखेंगे। ये हमने लिख लिया पहले पैराग्राफ डॉटेड फॉर्म में। आगे देखेंगे अल्फाज मानी, अल्फाज बिल्कुल जो हमारे पास मार्जन है उसके साथ करके लिखेंगे, वहीं पर हमने नंबरिंग करनी है। और बेटा जी, उसी के सामने जो हमने लाइन ड्रॉ की है सेंटर में, इसके साथ हम मानी लिखेंगे, मानी की हेडिंग देंगे। पहला लफ्ज़ है दर्स, दर्स का मीनिंग है सबक, तवसुत ज़रिए से, पोशीदा छुपी हुई, मुस्तकबिल आने वाला वक्त, बसर करना करने गुजारने, ये मीनिंग हो गए हैं। अब आप बेटा, जब हम इसकी सीरीज इस पैराग्राफ की आगे सीरीज बनाएंगे तो वो हमारा पैराग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखेंगे सीरीज। अब हमने यहाँ पर अंडरलाइन जो किए थे ना वर्ड, उनके मीनिंग हमने यहाँ यूज़ करने हैं। ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का सबक भी देते हैं, खेलों के ज़रिए से छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है, और आने वाले वक्त की मनसूबा बंदी की आदत भी पैदा होती है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि जब हमारे पास पैराग्राफ हमने देखा था बुक में से, तो बुक में जहाँ जहाँ जो लफ्ज़ मीनिंग थे उसी के हमने मीनिंग लफ्ज़ थे उसी के हमने मीनिंग ऐड कर दिए हैं। अब वो मीनिंग कैसे ऐड किए हैं वो आप देखें। अच्छा, ये देखें, इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का दर्स, दर्स का होता है सबक। अब ये देखेंगे बसर करने, यहाँ बसर और करने दो लफ्ज़ हैं, लेकिन जब हमने इसकी मीनिंग इसमें ऐड किया है तो करने उसमें कट हो गया है। बताने का मकसद आपको यही है कि जब भी हम सीरीज करते हैं तो जहाँ हमने उसका हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है मीनिंग ऐड करने के बाद, तो हमें पता चलता है कि लाइन सीधी हो गई। अगर लाइन में कोई मसला हो वो सीधी ना हो पा रही हो। अब देखिए, यहाँ पर जब वर्ड था तो था बसर करने, और जब मीनिंग आ गया तो गुजारने, एक लफ्ज़ कम हो गया ना। तो इसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो ऐड करने या ख़त्म करने पड़ते हैं, तब तो हमारा मीनिंग उसमें एडजस्ट होता है। अब यहाँ से तवसुत से वसीले ज़रिए से हो जाएगा ये। आगे देखेंगे पोशीदा, पोशीदा छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है, और आने और मुस्तकबिल आने वाले वक्त,
आने वाले वक्त की मनसूबा बंदी की आदत भी पैदा होती है। ठीक है मेरे बेटा, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये फ़र्ज़ करें अगर आपका 5 नंबर का है तो इसको हम डिवाइड कर देते होते हैं, ये आपका ऐसे हो जाता है। एक और बात बेटा, इसमें पहला काम ये होता है कि आपका 1 नंबर होगा सबक के टाइटल का, आपको लेसन का वो पैराग्राफ जो है पढ़कर पता चलेगा कि आपका लेसन ये पैराग्राफ कौन से लेसन से आया है, ये खेल का है। उसके बाद आपके हो जाएंगे जनाब ये 1 2 3 4 5 5 पॉइंट 5 वर्ड मीनिंग है, तो आप 5 हो जाएंगे 2.5 और 1 3.5 हो जाएगा। बाकी जो आपका बचेगा टाइम बचेंगे आपके मार्क्स वो सुबह आपकी 1 1.5 की होगी आपकी स्लीस। ठीक है, तो आपके ये बताने का मकसद ये कि इसके जितने पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में से कहीं से भी आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। आपका 1.5 नंबर का ये है, 1 नंबर का आपका पैराग्राफ है, 2.5 नंबर के आपके आपके जो हैं वो वर्ड मीनिंग है। अगर आपका 1 नंबर वहाँ कट गया, 0.5 नंबर वहाँ कट गया, 0.5 नंबर यहाँ कट गया, वर्ड में सबक के नाम में कट गया, तो फिर आपके पास कितने बचेंगे? थोड़े से बचेंगे ना। इसीलिए ये आपका सवाल कहने को बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी आपको, और आपने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है मेरा बेटा, राइटिंग का खास ख्याल रखिएगा, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।